आऊंगी नहीं क्या? तुम्हारा और किसका होगा? क्या रहा है फिर? मुझे प्रेग्नेंट क्यों किया? दो साल से क्यों थे मेरे साथ? क्या किया? शर्म नहीं आती? जिंदगी खराब की तू। कल के दिन तेरी बहन को कोई प्रेग्नेंट करके छोड़ दे फेरे। तेरी माँ ने क्या सिखा रखा है तेरे को? क्या अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती फिर आप क्या करते? मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए। मतलब मुझे ये संस्कार मिले हुए हैं? बिल्कुल, तुम्हारे अच्छा। जैसी लड़कियों को मैं जानती हूँ। आजकल लड़कियों ने धंधा बना रखा है। क्या धंधा बना लड़कों रखा से पैसे ऐंठने का? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मेरी गलती नहीं है सारी। गलत काम करती है, तुम्हें शर्म नहीं आई शादी से पहले तुम उसके साथ? गलती आपके बेटे की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है क्या? लड़कियाँ उनके पास दबाव डालती है। अच्छा, लड़की कुछ नहीं करती? नहीं, आजकल लड़कियों ने धंधा मचा रखा है। मेरा लड़का बिल्कुल ऐसा नहीं, मैंने संस्कार नहीं दिया अपने बच्चों को। पता है मुझे आपका लड़का जैसा? तुम्हारी माँ ने ये संस्कार दिए कि शादी से पहले जाके हमबिस्तर हो जाओ? गैर लड़के के साथ हमबिस्तर हो ना हो, मैं तो एक बात बताओ, अभी वो लड़की प्रेग्नेंट है, क्या करना है, क्या इलाज क्या है इसका बताओ? आपके लड़के ने प्रेग्नेंट कर रखा है? और मैं कोई भी हूँ उसको छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ, कल के दिन आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो जाए, उसका हस्बैंड बोले कि मैंने प्रेग्नेंट नहीं करा, फिर क्या होगा? नहीं, मैं हमने बेटी को नहीं किया, क्या इसके पास प्रूफ है कि उसने प्रेग्नेंट किया? इसको प्रूफ, इसको प्रूफ क्या है? ये क्या उस टाइम पे वीडियो बनाती क्या? नहीं, मैं क्या प्रूफ थी आपको ऐसे? तो आपके पास क्या? अरे एक बात बताओ, मैं किस नहीं कह रहा, एक बात बताओ, ये लड़की अगर किसी आपके बेटे को बोल रही है तो कुछ सोच समझ के बोल रही होगी ना? किसी और का होगा, मेरे बेटे के गले मार रही है। मैडम आपका बॉयफ्रेंड है क्या? दो दो बॉयफ्रेंड है? एक ही बॉयफ्रेंड है ना आपका? जो आज तक आपने जो कुछ करा उसी के साथ करा है ना? आपका जो बेटा है ना बॉयफ्रेंड है इसका, उसने बोल रखा है शादी करूंगा मैं, शादी का वादा किया। यहाँ पे आप आगे ऐसे बोल रहे हो हम बिस्तर वो बिस्तर वो बिस्तर, अपने बेटे को समझाते ना, बोलते नहीं करते, करने से पहले सोचते। तो कितना टाइम हो गया तेरे को? दो साल हो गए हमको साथ। नहीं, शादी के प्रेग्नेंट हुए कितना? प्रेग्नेंट डेढ़ महीना हुआ है, अभी जाके इसको पता लगा कि प्रेगनेंसी का जब डेट नहीं आई इसकी। तो मैंने उसको बताया है तो बोल रहा है कि मेरा बच्चा नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। पहले बोल रहा है कि शादी करेंगे, ये होगा वो होगा, और अब ऐसे थोड़ी ना होगा, मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा क्या वो? नहीं, जिंदगी तो किसी की नहीं, वो बर्बाद कर सकता। अरे तो भाई, अरे तो तुम्हारे बेटे को भी सुन, पहले क्यों तुम बच्ची थी कि वो जबरदस्ती तुमसे कर तुम्हारी रजामंदी? अरे तो दोनों रजामंदी से, अरे तो रजामंदी के लिए प्रेगनेंसी के लिए थोड़ी ना बोला था शादी से पहले प्रेगनेंट हो जाएंगे। हद मचा रखी आपने तो अपने बच्चे को लेके यार। तुम भी ज्यादा मत, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ज्यादा क्यों दांत तोड़ोगे आप? क्यों दांत तोड़ोगे? मेरी मेरी बहन लग रही है, बताओ किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है? अच्छा, शर्म नहीं किसी लड़की? मेरी बहन, मेरी बहन लगती नहीं है, मैंने अपनी बहन समझा इसको अभी। अगर किसी की लड़की, एक मिनट एक मिनट, एक बात बताओ, अगर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा हो, अगर एक लड़का उसको सपोर्ट कर रहा है तो बहन तो आप पूछोगे वो कौन है? ऐसे तो सारी लड़कियों के साथ गलत होता रहेगा, कौन उसका सपोर्ट ना करे? आजकल लड़कियां कर रही हैं ना? अरे तो वो तो क्या क्या कुछ करती हैं। अरे एक बात बताओ, कैसे हुआ था? दोनों की रजामंदी के साथ करा था, बट ये तो नहीं करा था कि प्रेग्नेंट होना है? नहीं, जबरदस्ती कुछ भी नहीं था, दोनों की रजामंदी से हुआ। अब हो गया तो मैं, उसने बोला ठीक है हम शादी कर लेंगे, मैं घर पे बताऊंगा। अब मैं उसको बोल रही हूँ शादी करने के लिए तो बोल रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है, ये है वो है, जबकि उसी का बच्चा है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अपनी बदनामी कराऊंगी क्या मैं? नहीं, बदनामी तो हम भी नहीं होने देंगे, बदनामी तो क्यों भाई होने देंगे? बुलाओ, आपको हमने, सुनो, अपना लड़का को बुलाते हैं। आपका लड़का इसको यूं कह रहा है कि मैं तेरे को जानता नहीं, मैं तेरे को रख नहीं सकता, तेरे से शादी नहीं कर सकता, तू नीच है, तू पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकती है। आपने बुलाया उसको यहाँ? अरे हम बुलाए ना बुलाए उसको छोड़ो, आपका बच्चा मना कर रहा है, आज हमने आपके बच्चे को बुला रखा है यहाँ पे, वो देखो वो कैमरा लगा रखा है हमने। यही कह रही हूँ, आपने बुलाया है? सुन लो मेरी बात, यहाँ पे हमने लगा रखा है कैमरा, और ये वीडियो डलेगी पूरे आसपास आपके एरिया में, सारी जगह डलेगी। अगर आपका बच्चा यहाँ पे आके मना करता है कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा? शादी, शादी नहीं करूंगा, तो ये पूरी रिकॉर्डिंग उसमें हो जाएगी, ये वाली पूरे आपके आस पड़ोस सब में दिखाएंगे, फिर आपकी इज्जत क्या रह जाएगी वो आप देख लेना, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। अगर वो कहता है ना नहीं करूंगा, तो आप यार, आप तो झूठ नहीं बोल रहे हो ना? ये वीडियो डाल देंगे हम, आस पड़ोस के मामा वामा सारे देखेंगे, जब पता लग जाएगा ना, बड़ी इज्जत इज्जत के लिए बोल रहे हैं ना, जब इनकी इज्जत खत्म हो जाएगी ना पूरे आस पड़ोस में, जब पता लगेगा इनको कि कैसे क्या होता है, अपने बेटे की उसका असली चेहरा भी सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं ही गलत नहीं, हर जगह लड़कियां गलत नहीं होती, लड़के भी गलत होते हैं। हद मत रखी आपने, आने आने क्या दो भाई, स्टार्ट कर दिया। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया भाई, हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ। और भाई आज हमारे साथ यहाँ पे ये बहन बैठी हुई, क्या नाम है बहन आपका? खुशी। खुशी भाई यहाँ पे बैठी हुई है, इसका भाई दो साल का एक रिलेशनशिप है जिस लड़के के साथ है, लड़के की माँ को हमने यहाँ पे बुला रखा है। दो साल से कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई क्या हुआ है, लास्ट बार ये भाई गए होंगे टाइम स्पेंड करने के लिए, तो अब इसको भाई पता लगा कि भाई डेट दो महीने से, मतलब डेट वगैरह नहीं आ रही थी, तो प्रेगनेंसी के थोड़े बहुत लक्षण लग रहे थे, तो इसने चेकअप वगैरह करा तो भाई पता लग गया कि भाई ये मैडम प्रेग्नेंट है। अब एक डेढ़ महीने में तो पता लगता है नहीं, तो अब का क्या सीन है कि इसने लड़के से बात करी कि बाबू बाबू मैं जो है अभी प्रेग्नेंट हूँ,
और अब क्या करना है। तो वो कह रहा है मेरा बच्चा ही नहीं है, मैं तेरे को जानता ही नहीं, मैं तेरे साथ कभी गया ही नहीं, मैंने तेरे साथ कभी कुछ करा ही नहीं। और ये कह रही कि 2 साल से मैं उसके साथ बिल्कुल सीरियस हूँ और वही मेरा बॉयफ्रेंड है और उसने मेरे से वादा करा था शादी करने का। अब वो लड़का पूरा पूरा मुकर रहा है, उसकी माँ को हमने यहाँ पे बुला रखा है। ये वीडियो में हमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है कि भाई इसकी गलती नहीं है, ठीक है, इसकी गलती है कि इसने शादी से पहले ये सब कुछ करा। करा तो दोनों की रजामंदी से करा क्योंकि शादी करनी थी। अब लड़का मना कर रहा और ये अपने घर वालों को बता नहीं पा रही कि भाई मम्मी क्या है कैसे, मतलब समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें नहीं बता पा रही। तो अभी का सीन ये है कि भाई लड़के को हमने यहाँ पे बुला रखा है थोड़ी देर में और आंटी को यहाँ से इधर उधर कर देंगे। आंटी जो है ना अभी पूरा पूरा साइड ले रही है अपने बच्चे का, वो कह रही है मेरा बच्चा ऐसे कर ही नहीं सकता। आंटी गलती से अगर आपके बच्चे की गलती निकली ना और अगर आपने उसको कुछ ना बोला तो यहाँ पे मैं पता है क्या करूँगा, मिट्टी उठाऊंगा उसके, आपके बेटे को यहाँ पे दफन करके ना ऊपर डाल दूंगा मिट्टी, समझ आ रही है आपको? आप तो दफन करोगे, उससे पहले देख लेना मैं उसका क्या हाल। हाँ तो आप कुछ करना या मत करना, हाँ अब वो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो भाई वीडियो में जो चीज़ें आपको समझ आई नीचे कमेंट्स में बता देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। एक बार ये खुशी उसको फोन करके यहाँ पे बुला लो। बुलाया पार्क में तूने मुझे और क्या है, क्या सीन कर रखा है? बैठो तो सही। क्या बैठूं मैं? बैठ के बात कर लेते हैं। उनके पास बैठती नहीं है क्या? क्या हुआ, बैठ के बातें करते हैं ना हम? पागल है क्या है तुझे? मना कर, एक बार समझाया ना तुझे? क्या समझा दिया? मेरे पास कोई कॉल मैसेज मत कर। क्या क्यों नहीं करूंगी? प्रेग्नेंट वाला क्या सीन है ये? क्यों प्रेग्नेंट हूँ तो बताऊंगी नहीं क्या? जब तुम्हारा बच्चा है ना, बच्चा तुम्हारा है ना? किसका है? तुम्हारा और किसका होगा? एक रैप्टा लगेगा। क्या रैप्टा? क्या रैप्टा सबूत है मेरा ये? क्यों डीएनए करा लो ना, पता चल जाएगा। तो पागल है तो पागल क्या, क्या? मुझे नहीं पता। मुझे तुमने बोला था ना कि शादी करूंगा, कब शादी करो मुझे ये बताओ पहले। किसने बोला था शादी? तुमने बोला था कि शादी करूंगा। हाँ तुमने बोला था। अरे तू क्या, तू मुझे शादी करनी है तुमसे? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी थी तुझसे, समझ गई ना? हमें तो फिर मुझे प्रेग्नेंट क्यों किया? 2 साल से क्यों थे मेरे साथ? प्रेग्नेंट था तुम्हें नाम? हाँ तो क्या घर पे फोन करके बता रहे हो? क्या फोन करके? वो आके बताएंगे तुझे। तो शादी के लिए बोला था ना? नीचे बैठ। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? फोन छोड़ो, नीचे बैठ पहले, नीचे बैठ। तो क्यों कर रहे हो तुम? बैठ नीचे। बैठी हूँ ना, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? यार मैं हाथ जोड़ रही, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ये ड्रामा मेरे से आगे चलेगा नहीं और मुझे तुम्हें घंटा इंटरेस्ट नहीं है, टाइम पास थी तुम्हें। तो 2 साल से क्यों थे मेरे साथ फिर? पहले मना कर देते ना। कौन था? तुम थे। जब तो बहुत बोलते थे कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, घर पे बता दूंगा, शादी करूंगा, आप क्यों नहीं बताया फिर? डेली का काम है। क्या डेली का काम है तुम्हारा? नीचे बैठ। मैं नीचे ही हूँ ना, लेकिन तुम्हें फोन छोड़ो। उल्टे हाथ का आएगा, बैठ नीचे पहले। तो यार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कैसे परेशान है बता। यार तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, बच्चा तुम्हारा है। शादी करूंगा मैं, शकल देखी है अपनी। तो मेरे साथ क्यों थे फिर? 2 साल से टाइम बिता रहे थे क्या मेरे साथ? और क्या, ऐसा थोड़ी होता, मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। अब मैं घर पे भी नहीं बता सकती ये चीज, ठीक है? मैं घर पे भी नहीं बता सकती अपनी मम्मी पापा को। अबॉर्शन करवा लेना। क्यों करवा लूं? क्यों करवा ले तू? तुमने शादी के लिए बोला था। टाइम पास था, तुझसे शादी करूंगा, शकल देखी अपनी। तो तुमने देखी अपनी? तुमने देखी अपनी? थप्पड़ लगाऊंगा। क्या थप्पड़? तमीज में यूं, ठीक है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझसे शादी करनी पड़ेगी बस। अच्छा तू प्रेग्नेंट है ना? हाँ। किसका बाप कौन है? तुम और कौन होगा? उसका बाप। फिर कौन है? पहले तो खड़ी को से घर वालों डीएनए करा लो, पता चल जाएगा। क्या मेरे घर पे कॉल मत करो, ठीक है? तो घर पे कॉल क्यों कर रहे हो फिर? घर पे क्यों कर रहे हो कॉल? उनकी बेटी कितनी बिगड़ रही है, किस किस उनकी बेटी किस किस के पास जा रही हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा? 2 साल से तुम्हारे साथ सीरियस थी, ठीक है? शादी का वादा किया था तुमने उससे, मेरा टाइम पास नहीं होता था जब तेरे को कॉल करता था, समझ गई? तो मतलब तुम मेरे साथ खेल रहे थे इतने टाइम से? मेरा डेली का काम है ये। क्या डेली का काम है तुम्हारा? ये मैं तेरे से मत थे कि ना मत कर, तू पिटपिटा जाएगी, तू अब यहाँ से निकल ले। जितना कह रहा हूँ ना कि इसे अबॉर्शन करवा। बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी, मैं सबको बताऊंगी, ठीक है? कंप्लेंट करूंगी। तू कर देगी? हाँ मैं कर दूंगी। तुम्हें पता क्या करेगी ना कंप्लेंट? फोन छोड़ो यार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसे क्यों कर रहे हो? नीचे बैठ। यार क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम? जिंदगी बर्बाद मेरी जिंदगी पर बात करा लूं तुझसे शादी करके? थूतड़ी देखी अपनी? तो मेरे साथ क्यों थे फिर? मेरे साथ क्यों थे 2 साल से फिर? यार प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पकड़ रही हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मैंने तेरे को एक बार पहले भी समझाया था ना, मुझे ये रोना पसंद नहीं है इज्जत से। तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं घर पे भी नहीं बता सकती। मैं पैसे दे दूंगा, मैं मुंह पे फेंकूंगा जिस बंदे के बच्चा जोन से हॉस्पिटल पे आता है, उससे ऑपरेशन करा दूंगा। मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ मैं।
यार तुम क्यों घंटा भी फर्क इंटरेस्ट नहीं होता, क्या कर लेगी तो दो साल से आप क्यों थे मेरे साथ? तेरे साथ था, तुझे इतना अंदाजा है कि मैं तेरे साथ ही था? मतलब तुझे इतना मतलब मुझे भरोसा है कि मैं तेरे साथ ही था? क्यों, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? मैं पागल, तू जान ही नहीं सकी मुझे, सिर्फ तेरे साथ टाइम पास करता था, बाकी तो मैं कितनी आई कितनी। तुमने जो किया ठीक है, लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मुझसे शादी कर लो प्लीज, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? यहाँ पार्क में ना लोग खड़े हैं, है ना, मक्खी की बहन मत कर, शांति से जितना बोल रहा हूँ ना उतना कर ले। प्लीज शादी का खर्चा भी मैं उठा लूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करनी है, मेरे पेट में बच्चा है तुम्हारा, क्यों नहीं समझ रही ये चीज? चिल्ला मत, बता रहा हूँ पार्क, चिल्ला मत, तेरा अपॉर्शन मैं करा दूंगा। मुझे अपॉर्शन नहीं कराना, मुझे शादी करनी है तुमसे। प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारा, फोन मिला के ही बुला लूंगा घर वालों को, नीचे बैठ जा, प्लीज घर पे कॉल मत करो, प्लीज घर पे कॉल मत करो, क्यों ना करूँ? नहीं, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो तुमने शादी तो बहुत दूर की बात है, तो तुमने क्यों बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ शादी करूंगा? टाइम पास पे होता था ना, टाइम पास, समझ रही है, टाइम पास अच्छा जाता था यार। मतलब एक लड़की से तुम टाइम पास कर रहे हो इतने टाइम से यार, दो साल से? यार प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, एक काम कर, दस तक उठक बैठक कर, यार प्लीज करनी है मुझसे, हाँ दस उठक बैठक कर, प्लीज मत करो, प्लीज फोन करो, नहीं 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 प्लीज, जितना बोला उतना कर, दस बार उठक बैठक कर, प्लीज जल्दी 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 मत करो ना मेरे, नहीं प्लीज फोन मत मिलाओ, यार प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ यार, मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्यों नहीं समझ रहे हो इस चीज को? किसका बच्चा पागल, किसका क्या, तुम्हारा है, किसके पास गई है तू, मुझे बता के गई है? मैं किसी के पास नहीं गई हूँ, ठीक है, तुमसे प्यार करती हूँ, बच्चा भी तुम्हारा ही है, और मैं सबको बताऊंगी अब ये चीज, ठीक है? हाँ मैं बता दूंगी, नहीं बताना, बता प्लीज, ऐसा मत, उठक बैठक जल्दी से यार, प्लीज यार ऐसे क्यों कर रहे हो? पैर पकड़ जल्दी, यार क्यों मुझे इतना गिरा रहे हो, क्यों गिरा रहे हो मुझे इतना, यार जल्दी बैठ जल्दी, यार क्यों इतना गिरा रहे हो, प्लीज यार मत मेरी जिंदगी खराब करो, और आवाज नीचे बात करके, यार प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दो साल हो गया हमें, तुझे हाँ घंटा तुझे प्यार नहीं करता, तो दो साल से क्यों था आपने, फिर पहले क्यों नहीं बोला मुझे? टाइम पास नहीं होता था मेरा यहाँ, तो टाइम पास के लिए मैं ही थी क्या? यार प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरे घर वालों की इज्जत क्या होगी ये तो सोचो तुम, मोहल्ले पड़ोस में, जब तुझे ये सब करना था तब तो सोचती ना तेरे घर वालों की इज्जत, मेरे साथ जब सोती थी रात को तू, तो तुम्हें भी तो सोचना चाहिए था ना किसी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले। एक ही है क्या तू, एक ही उर्की पर इज्जत है, जैसे आती है डेली आती है डेली जाती है, तो मेरे पास क्यों आए थे फिर तुम, मेरे पास क्यों आए थे मतलब, मुझसे मन भर गया कुछ नहीं है तो यार मेरे बारे में मत सोचो, अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, अपने बच्चे के बारे में तो सोचो, किसका बच्चा है, किसका क्या, तुम्हारा है यार, के पास मेरे बच्चे तो क्या सारे बच्चे मेरे हो गए यार, ये तो तुम्हारा, मैं तो तुम्हें लेके सीरियस हूँ ना, प्लीज यार घर पे बात कर लो शादी के लिए, मेरे घर पे बात करूँ यार, प्लीज घर पे बात कर लो शादी के लिए, क्या किया, क्या सुन रही हूँ मैं सब, ये कुछ ये क्या कही है तूने, मम्मी ड्रामा कर, शर्म नहीं आती कितनी दोस्त की जिंदगी खराब की तूने, ड्रामा कर रही है, और कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है तूने और उसकी की है, देखा नहीं आई, देख आंटी पता चल गया ना, चल गया ना, मैं क्या ड्रामा कर रही हूँ, क्या ड्रामा कर रही हूँ मैं, तेरे को इसलिए मैंने किया था, तेरे को शर्म नहीं आई, क्या ड्रामा करवाया, जो सच है ना पागल, क्या और पागल हूँ मैं, सुन लिया ना मैंने उनसे क्या क्या बोला है, सुन लिया ना, अपने करवाया उसका, मैं तैयार हूँ कराने के लिए, करवा लो, हमारी लड़की के साथ ऐसा कोई हो तो क्या होगा, तो जान से तूने तो फिर मैं भी तो बहन हूँ किसी की, भाई भी मार देंगे, मैं तुझे मारती हूँ जान से, तेरे को मैंने पैदा करके मम्मी गलत मुकाला करवाया, सारी सारे आप मुझे गलत बोल रहे थे, आपको छुआ दिया, आप मुझे गलत बोल रहे थे ना, अपनी आ रही, इसलिए तू किया था, मम्मी विश्वास क्या, वो झूठ बोल रही है लड़की, मैं डीएनए कराने के लिए तैयार हूँ, शादी के लिए बोल रहा था, शादी के लिए बोल रहा था, तू रोज मेरे जैसे कहीं आती है, शादी के लिए बोला था इसलिए गई थी मैं उसके पास, जल्दी बता, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, मैंने अपनी आंखों से इस लड़की को देख रही हूँ, कानों से सुन देख रहे थे ना आप, कितनी देर से मुझे जलील कर रहा था यार, जलील कर रहा था ना टाइम से, जल्दी बोल, बता दो अपने मुंह से ही, सच बता दो, नहीं मानता कि ये बच्चा तेरा है, बता दो अपने मुंह से ही, बता दे, ऐसी लड़की है यार, कैसी लड़की है,
तू अच्छा निकला। कैसी लड़की हूँ मैं? इस लड़की के अलावा तू बोलना, मैं रोज किसी न किसी के साथ। मैं तो किसी के पास, मैं किसी के पास भी नहीं गई। क्या सुना रहा था, क्या सुना रहा था? मैं किसी के पास नहीं गई, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ 2 साल से। अरे मम्मी की बात मत मानो, क्यों क्यों सर को शर्म नहीं आती थी? अरे शादी के लिए बोला था तब मैं इसके पास गई थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे के लिए मना कर रहा है क्या? क्या कोई बात नहीं है, तू पहले मेरे सामने मान की हाँ ये तूने किया इसके। चलो ठीक है मैं मान रहा हूँ, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो एक बार। हाँ, बोल। बोलो क्या बोल रहा है, बोलो। अरे रिलेशन रिलेशन कुछ नहीं है, फ्रेंड थी बस मेरी 2 साल। फ्रेंड देखा, शादी के लिए बोला था इसने। बच्चा कैसी है वो, कितने दावे से क्या बोल रही है कि तेरा बच्चा? मैं तो टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, डीएनए करा लो, डीएनए करा लो आप। अगर तेरा डीएनए में आता है तो बता क्या करे तेरा, ये तुम्हारे लिए मैं कार्ड डालूंगी अगर तेरी ये हरकत निकली तो। 2 साल इसी के साथ हूं, मुझे बच्चे लग रहा है। हमारी लड़की के साथ ऐसा हो, तेरी बहन के साथ ऐसा हो तो क्या करेगा? मुझे ये बता तू, जल्दी बता। खराब नहीं करनी है, सॉरी से क्या होगा? मैं अपने घर पे भी नहीं बता सकती ये चीज। इलाज हल ढूंढना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं क्या पसंद इस बच्चे अबोर्शन, मैं अबोर्शन नहीं कराऊंगी, मैं नहीं कराऊंगी अबोर्शन, ठीक है? नहीं करवाती है तो क्या करेगा? तुमने शादी के लिए बोला था। समझ नहीं रहा यार, आप इसकी बात पे माने जा रहे हो? क्यों नहीं मानेंगे, गलत हूँ क्या मैं? मैं बात पे नहीं, अगर उसका डीएनए निकल आया तेरे साथ मैच किया तो बोले मानेगा? ये अब भी नहीं मान रहा था। आपने आपने सुना है, खुद ही आपने बोला है। गलती की है, मैं किसी की जिंदगी किसी के पास नहीं गई, इसके सिवा किसी के पास नहीं गई, सिर्फ इसी का बच्चा है ये। ड्रामा करा क्या, ड्रामा कर रही हूँ मैं? तुम्हारी मम्मी को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा कितना अच्छा है। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना, सुना है? इन्हें भी पता चलना चाहिए। पहली बात तो पता, राजा कौन है ये, कौन है ये बताओ, कौन हूँ मैं बताओ? क्या बकवास कर रहे थे आप सुबह से कि बताओ? बाल ना साढ़े गंजा कर दूंगा 2 मिनट में, बकवास कर रहे अब मैंने सुन लिया, अभी पता चल जाएगा ना। ये पैसा आपका दादा ना, बकवास बंद कर ले अपनी, पीछे हो जाए साढ़े थप्पड़ मारूंगा यहाँ पे खड़े होके। बकवास कर रहा है क्यों, कौन लग रही है तेरी, वो तेरी कौन क्या लग रही है तेरी, साढ़े बकवास कर रहा है। कल के दिन तेरी बहन को कोई प्रेग्नेंट करके छोड़ दे फेरे, फालतू की बकवास मत कर। हाथ ना साढ़े नीचे, बकवास कर रहा है यहाँ पे खड़े होके। इधर 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 चल चल उधर चल, बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। कौन है, कोई भी हो एक बार बता, क्या काम है तेरा? सर तेरी माँ ने तेरे को ये सिखा रखा, लड़कियों को पकड़ के प्रेग्नेंट कर उसके बाद छोड़ दे? ओए ओए अरे तेरा ना गंजा कर दूंगा, पीछे हो जा। मैंने खुद सुना है, मैंने अपने कानों से सुना, पीछे खड़ा होके ऊपर देख क्या 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 बोल रहा है। ओए इधर इधर, क्या बकवास कर रहा है, पीछे हो जा, सारे बकवास कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। क्या लगे तेरी माँ के सामने ऐसे, तेरी माँ ने तेरे को ये सिखा रखा? तेरी माँ ने तेरे को क्या सिखा रखा? पहली बात तुम्हारे पीछे, तेरी माँ ने क्या सिखा रखा है तेरे को, क्या सिखा रखा तेरी माँ को? इधर ओए ओए पीछे हो, उतारो ना तेरे को, चुप रहे एक बार। इधर 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 बकवास कर रहा खड़े होके। वो देख कैमरा बंद करा पहले से, पीछे हो, बंद कराओ, तेरा बाप का नौकर लग रहा हूँ। चलो तेरे ले, क्या करा तूने, क्या है वो, जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ये कौन है, तेरी माँ है ना, तेरी माँ ने क्या साथ दे? मैं गलत नहीं का साथ दे, तेरी बहन के साथ ऐसा हो तो क्या करेगा? ऐसे बेटे को तो मैं काट दूँ क्या? सॉरी बोलने से क्या बच्चा चला जाएगा क्या? क्या अबॉर्शन करवाएगा? साढ़े पूरी वीडियो ना, ये कौन ना बकवास कर रहा है यहाँ पे, साढ़े तेरह ना सुनाना बंद कर दूंगा इसको, साढ़े को मारूंगा मैं, जिंदा कर दूंगा यहाँ पे। इसके साथ होना भी चाहिए, अब तो मैं इसके साथ ही हूँ। अब तेरे जैसे तो मुझे गंदी नलायक है, असली चेहरा सामने बकवास कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। तेरी जैसी 10 आती है 15 आती है मैडम, आपकी आपकी कोई बेटी को यूं प्रेग्नेंट करके छोड़ दे बीच रोड पे कैसा लगेगा? वो भी तो किसी की बहन है। मैंने पहले उसको गलत बोला, लेकिन मैंने अपनी कानों से सुना और देखा। साड़ी ये ना तेरे बाल ना, यहाँ से ना पूरे काट दूंगा अगर आपकी बार बालों को हाथ लगाया साले, ये पूरा ना गंजा हो जाएगा, गंजा होके जाएगा यहाँ से। प्यार से बात करो, साढ़े तेरे ना ये हाथ ना, ये हाथ तोड़ दूँ तेरा, ओए ये तेरा हाथ तोड़ दूँ, हाथ तोड़ दूँ तेरा, बकवास कर रहे हैं यहाँ पे।
तेरे को इतनी तेरे को इतनी वो इतनी वो तेरे को जरूरत था ना जोश, मुझे बोलता माँ मेरी शादी कर दे, मैं करवा देती किसी लड़की की जिंदगी तो मत बर्बाद कर। कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई मैडम, आपके बेटे की शादी होगी इसके साथ और पूरे 20 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन का है भाई। प्यार से बात नहीं हो सकती किसी में, मैं प्यार से बात करूँ? तू प्यार से बात कर रहा था? बकवास कर रहा है, तेरे बाप की नौकर लग रही हो? अब ये तेरी नाना, तेरी माँ ने सिखा रखा लड़कियों को पकड़ के प्रेग्नेंट करके छोड़ने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? अच्छा प्यार से बात हो जाएगी ना? प्यार से बात करो, प्यार से बात करो, बताओ जल्दी करे, टाइम नहीं है तेरा। देख ले बच्चे का, अगर तू कुछ करा तो करा दे। मैं बच्चे का कुछ नहीं कराऊंगी, तुमने शादी के लिए बोला था ठीक है, मुझे शादी करनी है। ये ऐसी औलाद है जिसको पैसे का घमंड है, माँ सामने खड़ी है अपनी गर्लफ्रेंड को यूं कह रहा है, जो बच्चा पेट में ना उसका कुछ कर सकती है तो कर। अब तू इससे शादी करेगा और इसको लेके रहेगा और मेरे घर से दफा होगा, मैं तुझे अपने पास नहीं रखेगी। अब तूने ये किया है, तू तेरी जिम्मेवारी है, तू इसको करेगा। शादी होगी तेरी इसी के साथ होगी शादी। अरे तो क्या साथ देगी तेरे सारे? खड़ा हो, खड़ा हो। क्या क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है? क्या सेटलमेंट करनी है? क्या सेटलमेंट करनी है? सेटलमेंट क्या करनी है बता, बताइए सेटलमेंट क्या करनी है? बोले भाई तो देख लो ना। क्या देखूं मैं? लड़की की जिंदगी चाहिए। 15.5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, या तो हम शादी करवाते ना, नहीं तो घर में घुस के शादी करवाऊंगा, समझ आ रही है? और ये वीडियो ना इसके माँ बाप, तो माँ तो यही खड़ी है, इसकी सारी बेंच और लोगों पे फैला देना, दिखाना इसकी असलियत क्या है। सारा लोगों की लड़कियों पे जाके प्रेग्नेंट करके उसको छोड़ने का काम है इसका। देखो मजाक लग रहा है, लाखों लोग देखेंगे वीडियो, लाखों। कितने लोग? बदनामी नहीं करनी। लाखों लोग में ना तेरा मुंह काला अपने आप हो जाएगा, सारे मुंह काला करके ना गद्दे पे बिठा के तेरे को घुमाएंगे। सुन ले ओ बड्डी, बहुत इज्जत कर ली आपकी, 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, या तो शादी करवा देना या तो अपने बेटे को ना थाने के अंदर करवा देना, कंप्लेन मैं इससे करवाऊंगा। और जब ये वाला केस लगेगा ना, प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया शादी से पहले, 14 साल बहन जो अंदर रहेगा, जब पता लगेगा तेरे को 14 साल अब अंदर रहेगा ना, ना 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 प्यार से इसको चुपचाप लेके जा, तेरी प्यार वाली बात बताऊं मैं, चले इसको लेके जाओ यहाँ से, लेके जाओ इसको, जाओ यहाँ से, ड्रामा लगा रखा है यहाँ पे खड़े होके, बकवास, 12.5 होगा ना एक्शन किसी और, लेके जाओ इसको, बकवास कर रहे हो खड़े होके यहाँ पे, 15 दिन में खुद ना आए हुए ना राजी बच्चा रखने के लिए, सारे काम करने के लिए, कंप्लेन जाके करवाएंगे। इसको होना भी चाहिए भैया, बहुत परेशान हुआ मैं। चला जाए ऐसे, घर भी नहीं जा सकती मैं, अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती ये चीज। आपको एक बात बताओ, आपको करने से पहले नहीं पता लगा शादी से पहले आप क्या कर रहे हो? यही बोला था कि मैं शादी। अरे तो शादी करेगा ठीक है, क्या आपको उसने सिंदूर लगा, मंगलसूत्र पहना, क्या करा? गलती हुई आपसे, कैसे बताओगे अपने माँ बाप को कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हूँ? माफी मांगूंगी उनसे, और क्या कर सकते, अभी से सीधा खड़ा हुआ जा नहीं रहा तुमसे, 3 महीने का प्रेगनेंसी हो जाएगी, तुम्हारे मम्मी पापा को तो वैसे ही पता लग जाएगा। मैं भैया माफी मांग, भाई मत किया करो यार शादी से पहले ये वाले सारे काम, यार करते हो तो यार कम से कम कुछ चीजों का ध्यान तो रखा करो। बाकी वीडियो में जो चीज समझ आई, कौन सही है कौन गलत है भाई, कमेंट्स में हमें जरूर बता देना। बाकी हम आपको मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई नहीं, ध्यान से घर जाओ अब।